मांगा। मैं खाने के लिए नहीं मंगा रहा हूँ, बनने के लिए बोल रहा हूँ। नीचे बैठ और मुर्गा बन। अरे मजाक कर रहा हूँ। क्या हुआ अगर हम सेकंड ईयर में आ गए? रैगिंग मतलब आई मीन इंट्रो तो ले ही सकते हैं ना, बट कंसेंट होना जरूरी है। नाउ कंटिन्यू। यार एंड सेमेस्टर के बाद घर गया तो पूरा फ्यूचर प्लान रिविजिट किया, फिर समझ में आया कितनी गलत अप्रोच थी। स्टैनफोर्ड से एमएस, एमआईटी से पीएचडी और प्रिंसटन से पोस्ट डॉक। सेकेंड ईयर में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। वो तो भला हो सीनियर्स का, वरना मुझे तो हायर स्टडीज के सपने पूरे करने में दिन बर्बाद हो जाता और रात में 10:45 PM को ही मैं सो जाता। हॉस्टल का नाम ऊंचा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया लाइफ हो तो ऐसी। फर्स्ट ईयर में थोड़ा दर्द होता है पर चलता है। एक्चुअली दिस इज माई वे ऑफ सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेसेस, अपने जाटू जी का। अब उसके स्टार्टअप को लास्ट ईयर तक सीनियर्स प्रमोट करते थे, बट अगर विंगमेट साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? मुकेश। बाय द वे मैं आप लोगों के लिए कुछ लिख के भी लाया था, बताऊं? ये एक्सचेंज हो गया क्या? ये मेरे नोट्स नहीं है, मैं तो हाउ टू सर्वाइव हॉस्टल 101 हैक्स लिख के लाया था। बट एक मिनट, सीजन 2 में ये सब क्या हो रहा है? मंजूर है। वार्डन सर क्या कहते हैं, हॉस्टल लाइफ बॉक्स ऑफ चॉकलेट की तरह नहीं, मसाले की डिब्बे की तरह होती है।